हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ नया प्रोडक्ट लेके। और जो नया प्रोडक्ट है ये है जबरोनिक्स की तरफ से। ये बेसिकली एक स्पीकर है जिसका नाम उन्होंने दिया है स्मार्ट बोट। ये ब्लूटूथ स्पीकर है और इसके साथ एलेक्सा इनबिल्ड है। और इसका एक और खासियत है, वो है इसका IR रिमोट फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से ये स्पीकर काम करता है और किस तरीके से इसका ये IR रिमोट फंक्शन जो है काम करता है। तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं गैजेट थेरेपी। बात करें तो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ स्मार्ट स्पीकर विद IR रिमोट स्मार्ट बोट। अगर इसके फीचर्स की बात करो तो यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला फीचर उसका दिया है कंट्रोल IR डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर। दूसरा दिया है ड्यूल फार फील्ड विद माइक्स, 2.4 हर्ट्ज़ का गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है, 360 स्पीकर है और एलेक्सा बिल्ट इन दिया हुआ है। बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले तो बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें दिखेगा ये यहाँ पे इसके यूज़र मैनुअल दिए हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे किसी काम के नहीं हैं, कोई पढ़ता भी नहीं इन्हें। उसके बाद देखेंगे तो अपना ये स्पीकर आता है, अच्छे से रैप किया हुआ है। इस तरह से इसको निकाल के तो काफ़ी शाइनिंग, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है इस स्पीकर का। इसको साइड में रखते हैं। टाइप ए टू माइक्रो USB दिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली टाइप सी नहीं दिया हुआ है। बॉक्स में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट दिखता है। अगर मैं प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली प्लास्टिक है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि काफ़ी हल्का है। मैंने और भी स्पीकर्स देखे हैं, MIK स्पीकर्स मैंने देखे हैं जो कि गूगल के साथ ये है, बट वो काफ़ी हैवी है कम्पेयर टू दिस। और ये छोटा भी है बाकी स्पीकर से और हल्का भी है, बट फिर भी आपको कहीं देखने में नहीं लगता है कि ये कोई चीप क्वालिटी है या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और जो ब्लैक कलर उन्होंने दिया, ब्लैक कलर बहुत उस पर सुपर लगता है, बट ये बेसिकली एक प्लास्टिक की है। अगर ऊपर की साइड की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हैं, देख सकते हो वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन दिया है। अगर आपको एलेक्सा म्यूट करना है तो यहाँ से एलेक्सा को म्यूट कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपका गाना प्ले हो, अगर आपके ये नियर बाई है तो आप यहाँ से भी पॉज या प्ले कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इसका चार्जिंग दिया, मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताया था कि इसका USB A टाइप ए टू माइक्रो USB है, अनफॉर्चुनेटली टाइप सी नहीं दिया। और बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे चार उन्होंने माइक दिए हुए हैं, तो ये कहीं पे भी अगर आप थोड़ा दूर भी बैठे हो तो ये आपका आवाज़ बहुत ईजी तरीके से सुन सकता है। तो ये जो चार दिख रहे हैं आपको, ये चार उन्होंने आपके उसके माइक दिए हैं। अब मैं इसको अपने ऐप के साथ, मोबाइल ऐप के साथ उसको मैं लिंक करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। उसके लिए आपको ये जेब होम करके ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप स्कैन भी कर सकते हो। और सबसे पहले आपको इस पर रजिस्टर साइन अप करके रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद आप इसको आराम से इस डिवाइस को ऐड कर सकते हो। Now your device connected the internet. अब जैसे देख चुके हो कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है आपके ऐप के साथ, तो अभी हमारा डिवाइस रेडी है, ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपको किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो आपको पहले डिवाइस को रिमूव करना पड़ेगा, फिर ही आप ये दूसरे डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। एट ए टाइम ये दो डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होता है, तो ये चीज़ का खास याद रखना। अब ये जिस तरीके से आपका जो नॉर्मल एलेक्सा डिवाइस काम करता है, सेम फंक्शंस इसके भी है, कुछ नया इसमें अलग नहीं है। जैसे आप अपने एलेक्सा को जो भी आप बोलोगे, गाने प्ले करने बोलोगे, वेदर के बारे में पूछोगे, सब चीज़ें बताएगी। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे, हे एलेक्सा व्हाट्स द वेदर राइट नाउ इन नवी मुंबई, इट्स 35 डिग्री सेल्सियस विद ड्रियरी स्काइज। Tonight's forecast has clear skies with a low of 26 degrees. Alexa, tell me some story. Here's one about a princess and the pea. There was once a prince who wanted to meet a princess. Alexa, trouble increase the volume. Pause. Even though he met a lot of girls, he could never determine. आप देख सकते हो volume increase हुआ है. Princess. Alexa, stormy night. Increase the volume.
A girl came to the castle gates and declared she was a princess. Alexa, the prince looked at her maximum the volume. Disheveled appearance suspiciously, but it was raining hard. Said, Alexa, I slept barely. Decrease the volume to the lowest level. A wink. There was something hard in the bed and was so painful. Alexa, bruised my back. Stop. तो जिस तरीके से ये स्टोरी सुना रही है, मैंने देखा कि आप, मैंने जिस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज क्या बैठे बैठे वो कर सकते हो. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे गाना प्ले करके नहीं आपको दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, बट सेम तरीके से आप उसको जब बोलोगे कोई गाना प्ले करने के लिए तो वो अपने अमेजन के फाइल से जो उसके जो लिस्ट वहाँ से वो गाना प्ले करेगी. और आपको जब वॉल्यूम इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, पॉज करना है, कंटिन्यू करना है, वो आप सब कर सकते हो. और अगर आपके पास कोई और एलेक्सा डिवाइस है आपके घर पे, तो आप उस डिवाइस को भी आप इसके थ्रू से कनेक्ट कर सकते हो. फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई और कोई एलेक्सा का डिवाइस नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप उस डिवाइस को भी आप अपने इस एलेक्सा डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हो. तो जैसे मैंने बताया कि ये आपका सेम बाकी एलेक्सा डिवाइस की तरह ही काम करता है, इसमें कुछ और नया. तो इसका जो मेन है वो है IR फैसिलिटी. अगर आपके पास समझो कोई गैजेट, कोई TV, AC इसका रिमोट नहीं है, या फिर गुम हो गया, या फिर मिल नहीं रहा है, तो आप अपने इस डिवाइस से उस डिवाइस को आप कंट्रोल कर सकते हो. जैसे आप AC को कंट्रोल कर सकते हो, TV को कंट्रोल कर सकते हो. तो और इसका एक वो भी अच्छा है कि यहाँ पे वो 360 है इसका, मतलब आपको ये डिवाइस आप अपने लिविंग रूम में या फिर जिधर भी आपने ये डिवाइस रखा है, आप उसको डिवाइस को किधर भी रखिए और आप अपने मोबाइल से ऐप से आप उस डिवाइस को आप कंट्रोल करोगे तो ईजिली कंट्रोल हो जाएगा. आपको कहीं स्पेसिफिक जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं है. ये इसका सबसे मेन फंक्शनैलिटी है. तो 360 डिग्री में वो अपने रेस छोड़ता है, तो आपको डिवाइस को कोई स्पेसिफिक जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं. आप डिवाइस को अपने लिविंग रूम में कहीं पे भी रख सकते हो और आपने अपने डिवाइस से मोबाइल से जब आप उसको ऑपरेट करोगे, कंट्रोल करोगे किसी भी डिवाइस को, TV या AC को, ईजिली हो जाएगा. तो हम भी वो एक करके देखते हैं किस तरीके से वो काम करता है. बस आपको अपने मोबाइल पे जाके ऐप पे जाके चालू करना है और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ से मैं बटन दबा रहा हूँ, आप देखिए ऑन किया मैंने TV और ये TV ऑन हो गया है. और जैसे आप अपना नॉर्मल रिमोट यूज़ करते हो सेम उसी तरीके से ये देख सकते हो आप. यहाँ पे मैं आगे पीछे पूरा घुमा रहा हूँ, सेम रिमोट जैसे ही काम करेगा. कुछ भी फंक्शंस जो रिमोट के यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं रहेंगे, सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे रहेंगे. सेम उसी तरीके से हम अपने AC को भी चला सकते हैं. यहाँ पे देखिए मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, शायद आपको आवाज़ शायद दिख ना रहे हो, लाइट चालू की नहीं, बट डेफिनेटली मेरे मोबाइल से जब मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ या फिर जो भी फंक्शंस मैं कर रहा हूँ उससे वो AC रिएक्ट कर रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. तो इस तरीके से आप अपने ये डिवाइस से आप AC, TV या जो भी IR डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो. इसमें ब्लूटूथ भी है, आप ज़रूरी नहीं सिर्फ एलेक्सा से ही सब प्ले कर सकते हो. आपके मोबाइल पे कुछ यूट्यूब कंटेंट देखना है तो उसको अगर स्पीकर पे प्ले करना है तो वो भी आप अपने फ़ोन के साथ कर सकते हो. बस आपको उसके लिए आपके फ़ोन के ब्लूटूथ के साथ उसको पेयर करना पड़ेगा. और एक बार पेयर होने के बाद आपको सिर्फ इतना बोलना है, हे अलेक्सा कनेक्ट टू माय फोन. सर्चिंग नाउ कनेक्टेड टू 1+8T. तो इस तरीके से आपका फोन कनेक्ट हो चुका है. तो अगर कोई यूट्यूब कोई वीडियोस आपको प्ले करने हैं, यहाँ से पॉज हो गया. तो अपने फोन्स को आप इससे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो और बाकी कोई यूट्यूब या फिर किसी भी
जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो, हॉटस्टार यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आप इस स्पीकर से आप उसका वॉल्यूम आवाज़ सुन सकते हो। बट आप जब भी ब्लूटूथ से अगर आप अपने स्पीकर को इसको कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे वो एलेक्सा काम नहीं करेगा, आपको मैनुअली ही इसके प्ले पॉज या वॉल्यूम कम अप एंड डाउन जो भी है वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, वो आप मोबाइल से या फिर यहाँ से आप कर सकते हो, बट एलेक्सा के थ्रू से आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आप देख चुके हो किस तरह से स्पीकर काम करता है, किस तरह से एलेक्सा काम कर रहा है और किस तरीके से इसका IR जो फंक्शन दिया है वो किस तरह से काम करता है। तो इसका जो लिंक है ये आपको Amazon पे मिल जाएगा। इसका जो प्राइसिंग दिया है वो 6000 का दिया है, लेकिन आपको वो 3500 3600 के अंदर मिल जाता है। इसका जो लिंक है प्रोडक्ट का वो मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अपने न्यू वीडियो के साथ।